क्या आप जानते हैं नींबू हमारे खाने के काम आता है, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। पर क्या आप जानते हैं कि नींबू से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, आप अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं, आप उसको हर इंसान को अपने वश में करके अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। और ऐसा साबित किया है हमारे अनुराधा मिश्रा ने। जी हाँ दोस्तों, मैंने हमारे शिष्य हैं जिनको हमने बताया उपाय जो नींबू के माध्यम से होता है, और इस उपाय को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ है इसका। तो इसको करना किस तरीके से, अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, कोई महिला कोई लड़की, तो आप किस तरीके से उसको अपने वश में कर सकते हैं, ये इस उपाय के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नींबू लेना है, और नींबू लेने के बाद आपको उस पर नाम लिखना है। किस तरीके से, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको उसका नाम मालूम होना चाहिए जिसका वशीकरण आपको करना है। तो उसका नाम है राधा, तो यहाँ आपको राधे लिखना है, प्लस माँ का नाम। ये दोस्तों आजमाया हुआ उपाय है, इसको ज़रूर करिए। और अब आपको क्या करना है, एक स्टार बनाना है जिसके सभी कोनों पर आपको 666 लिखना है, सभी में 6। उसके बाद नीचे आपको लिखना है अपना नाम जो वशीकरण कर रहा है, तो आपका नाम है करण, तो यहाँ करण प्लस अपना माँ का नाम। ऐसा लिख करके आपको इस नींबू को अब सच्चे मन से अपने माथे के बीच में लगाना है, और एक बार बोलना है कि राधा पवन के वश में हो जाए, करण के वश में हो जाए, और सच्चे मन से बोलना मेरे वश में हो जाए राधा। तो इसको ज़मीन के अंदर दबा देना और आ जाना 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। आपको क्या होगा कि उसके मन के अंदर आपके लिए प्यार पैदा होगा, और वो आपके लिए बेचैन हो जाएगा, आपकी तरफ आकर्षित होगा। इसका काम यही होता है, तो इस उपाय को ज़रूर करिए। और यदि आपको कुछ समस्या लगे या कुछ समझ नहीं आया हो, तो बेझिझक होकर दिए नंबर पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हम आपसे विदा लेते हैं इसी के साथ। नमस्कार दोस्तों।